Hello and welcome to my YouTube channel. Today I am going to start the current affairs in English of the 16th October 2022. So, first of all, we will discuss about the important current affair question set of five questions that I have given yesterday. So, first of all, we will discuss about the answer of that question. After that, we will start the current affairs of 16 October. So, first question is the skilling of girls in non-traditional livelihood, means NTL has been included in which फ्लैगशिप स्कीम सो स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष ऑप्शन सी पोषण अभियान ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सो अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम द स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हैज बीन इंक्लूडेड नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ वन नेशन वन ग्रीड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्युनिकेशन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज एसोसिएटेड विथ वन नेशन वन ग्रीड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर थ्री पी एम डिवाइन स्कीम विच वाज न्यूज एम्स एड डेवलपमेंट ऑफ रिच रीजन ऑप्शन ए कोस्टल रिजन्स ऑप्शन बी हिली रिजन्स ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्टर्न रिजन ऑप्शन डी बोर्डर एरिया सो पीएम डिवाइन स्कीम द फुलॉर्म ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम दुल ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम इज प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशियटिव फॉर इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सो पीएम डिवाइन स्कीम फुल प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनियन कैबिनेट हैज्रूव टोटल पैकेज ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ इंक्लूडिंग सिक्स थाउजेंड करोड़ सॉरी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ स्कीम फॉर द स्कीम फॉर डेवलपिंग डेवलपिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट सो अंडर पीएम डिवाइन स्कीम ट्वेल्व थाउजेंड करोर टोटल प्रोजेक्ट इज अप्रूव इंक्लूडिंग द सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ स्कीम फॉर डेवलपिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पी एम डिस्ट स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बायमिस्टर्ड्री मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दैट इज डी एन ई आर दट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सो द करेक्ट option is the northeastern region. For the northeastern region, the PM divine scheme has been developed and PM divine scheme has been launched by the union cabinet. Next is question 4. The evidence of the trapping zone has been discovered in which country? So, the evidence of the trapping zone has been discovered in which country option a maldives option b australia option c japan option d italy so correct option is the maldives option a is the correct option and this trapping zone this trapping zone has been located trapping zone has been located 500 meter below the surface so करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मालदीव्स नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फाइव एज पर द रीसेंट डेटा व्हाट इज द सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया ऑप्शन ए 6.25 परसेंट ऑप्शन बी 7.2 परसेंट ऑप्शन सी 7.41 परसेंट ऑप्शन डी 7.91 परसेंट डी full form of the cpi consumer price index and consumer price index has been released by the it has been released by the national statistical office means nso and in the month of september the consumer price index is 7.41% so correct option is option c 7.41% so as per the recent data what is the consumer price index based retail inflation recorded in india so correct option is option c 7.41% नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नेशनल करेंट अफेयर्स न्यूज ऑफ सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो फर्स्ट इज दी एम नरेंद्र मोदी हैज इनग्रेटेड द सेवेंटी फाइव डिजिटल बैंकिंग यूनिट दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनग्रेटेड द सेवेंटी फाइव डिजिटल बैंकिंग यूनिट एंड These 75 digital banking units has been opened in the 75 districts of the country and it is mainly opened to commemorate the 75 years of independence of Union of india and these digital banking units has been announced in the union budget speech also to establish the digital banking units across the nation so 75 digital banking units digital banking units has been inaugurated by the pm narendra modi and these digital banking units are being set up mainly to इंक्रीज द रीच ऑफ डिजिटल बैंकिंग बिकॉज नाउ न डिजिटल बैंकिंग हैज़ बीन बैंकिंगली इन द कंट्री नेक्स्ट इज़ ने इंडिया अपोजेज जी सेवन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्लान सो दी सेवन नेशंस प्लान ऑफ परस्वीडिंग इंडियाज टू स्टार्ट नेगोशिएशन ऑन ए जस्ट एनर्जी

The Times Higher Education Ranking 2023 has been released and among the Indian university in IISC, Bangalore is the first institutions it, it is the first indian institutions first indian institutions that is in the top 500 and there are five five indian university that is under 500 list and iisc bangalore is at the first position among the indian institutions so the Times Higher Education Ranking 2023, the IISC Bangalore is in the top 500 and it is the first Indian institutions. Next is the, in India, the industrial production, the index of industrial production has been contracted by 0.8% in the August 2022. So, according to the industrial production, there is decreased by 0.8% in the August. And this decrease is mainly due to decline in the output of manufacturing and mining sectors. And in the February 2021, there is a contraction, means a decrease of 3.2% in the February 2021 so RBI means Reserve Bank of India and SEBI Security and Exchange Board of India so RBI and SEBI had issued the, a standard operating procedure mainly for the interoperable regulatory sandbox and under this interoperable regulatory sandbox डिपार्टमेंट ऑफ आर बी आई विल एक्ट एज ए नोडल पॉइंट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन अंडर द आई ओ आर एस एंड विल बी डेजिग्नेटेड एज कोआर्डिनेशन ग्रुप फॉर आईओ आर एस नेक्स्ट इज दी एम नरेंद्र मोदी ट्रिपल आई टी मीन्स ट्रिपल आई टी ऊना ट्रिपल आई टी फुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना है पीएम नरेंद्र मोदी एंड दिस ऊना इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश एंड पी एम नरेंद्र मोदी हैज ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द फोर्थ वंदे भारत फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम

Kamrupa has been established mainly for the advanced research purposes and this supercomputer has been established under the National Supercomputing Mission under the National Supercomputing Mission the supercomputer is establishing in the various institutes mainly for the research and development फैसिलिटी एंड द प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो इनोगीर एंड दिज सुपर कंप्यूटर हैज बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन नेक्स्ट इज़ द भेल मींस भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल फुल फॉर्म इज़ द सो भेल हैज़ साइंड एन एमओयू विद द सीआईएल मींस कोल इंडिया लिमिटेड एंड एनएलसीआईएल फॉर कोल गैसिफिकेशन सो एमओयू हैज़ बीन साइंड बिटवीन द बीएचईएल मींस भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स विद द Coal India and NLC India and it is mainly the MOU is signed for the coal gasification based plants. So, for the establishment of coal gasification plants, the MOU has been signed between the Bharat Heavy Electricals and Coal India Limited and एनएलसी इंडिया नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम डिवाइन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट दी एम डिवाइन स्कीम इज द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन दैट इज द फुलवाइन एंड अंडर दिस अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड आउट ऑफ बीच सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोर हैज बीन अप्रूव्ड टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एंड अदर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पी एम डिवाइन स्कीम मेनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट नेक्स्ट इ सेवेंटींथ प्रवासी भारतीय दिवस विल भी हेल्ड इन द इंदौर इन जनवरी सो ऑन नाइन जनवरी एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय भारतीय दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड एंड दिस प्रवासी भारतीय दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑन नाइन्थ ऑफ जनवरी इन 1915 महात्मा गांधी महात्मा गांधी हैज बीन रिटर्न फ्रॉम द रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका सो फॉर दैट ऑन नाइन्थ ऑफ जनवरी एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस हैज बीन हेल्ड एंड दिस इ प्रवासी भारतीय दिवस विल भी हेल्ड इन द इंदौर एंड एक्सटर्नल दिनिस्टर फॉर इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च द वेबसाइट फॉर द सेवेंटींथ प्रवासी भारतीय दिवस नेक्स्ट वी शेल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज सो अंडर द इंटरनेशनल न्यूज चाइना हैज दिड्रॉल फ्रॉम द आई ए nt resolution by signing the no support so the full form of ia is the iaea is the international atomic energy agency atomic energy agency so and the international atomic energy agency its headquarter is located in vienna that is इन ऑस्ट्रिया सो इन देशन ऑफ इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी दि ड्रू ए ड्रॉट रिजोल्यूशन क्रिटिस दलायंस एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ऑकस एलायंस व्हाट इज दलायंस ऑकस एलायंस सो ऑकस एलायंस इज द ट्राईलैट्रल ट्राइलेट्रल सिक्यूरिटी पैक्ट bilateral security pact between Australia between the Australia United Kingdom and United States and United States and it is announced on the AUKUS alliance is announced on it is announced on 15th September 2021 and under this pact under the under पैक, यूएस ए एंड यूनाइटेड किंगडम विल हेल्प द ऑस्ट्रेलिया विल हेल्प द ऑस्ट्रेलिया टू बाय द न्यूक्लियर सब मैरिन टू बाय द न्यूक्लियर सब मैरिन सो चाइना हैज वि आई ए anti-AUKUS resolution and the full form of IA is the, IAEA is the International Atomic Energy Agency. Its headquarters is located in the Vienna, Australia. Austria. And the AUKUS alliance it is the trilateral security pact that is between the Australia, United Kingdom, and United States. And announced on the 15th September 2021 and under under this fact the usa and united kingdom both will help the australia to buy the nuclear submarine next the important indexes released and important report published so global hunger index 2022 has been announced and it is published or announced by the worldwide and welt hunger Health. The Global Hunger Index has been released by the Concern Worldwide and Wealth Hunger Health, and it is the ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज द टूल मेनली फॉर द मेजरिंग एंड ट्रैकिंग द हंगर एट द ग्लोबल ग्लोबल लेवल रिजनल लेवल एंड नेशनल लेवल फॉर दैट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर विल बी गिवेन एमंग दौर Components indicator that is the undernourishment, child stunting, child wasting, and child mortality. These are the four indicators, and the points will be given through these only four indicators. And the India position is hundred seven out of the hundred twenty one country. There is in the two thousand. 21 india's position is at the 101 so there is decrease of six places and the asian countries which are above indian india is sri lanka is at 64 nepal is at 81 bangladesh is at 84 and pakistan is at 99 position so india is at the 107 in the global hunger index 2022 next is the living planet report 2022 and this report living planet report has been released by the world wide fund for nature wwf and in which it is given that there has been 69% decline in the Wildlife population that is of mammals, birds, amphibians, reptiles, and fish, fish across the globe in the 50 years. And the report has been published by the World Wide Fund for Nature, WWF. Next, we shall discuss about the appointment related news. So, the अब्दुल लतीफ राशिद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। सो द अब्दुल लतीफ राशिद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। अब्दुल अब्दुल लतीफ राशिद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक प्रेसिडेंट ऑफ इराक एंड कैपिटल ऑफ इराक इज द बगदाद बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक एंड द करेंसी ऑफ इराक इ दिनार करेंसी ऑफ इराक इरा दिनार एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक इरा दोहम्मद शिया अल सुदानी मोहम्मद शिया अल सुदानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक सो अब्दुल लतीफ राशिद इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक नेक्स्ट ने द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है डॉक्टर आदर्श स्वयका एज द इंडिया अम्बेसडर टू द कुवैत सो डॉक्टर आदर्श स्वयका हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया अम्बेसडर टू द कुट इज द इंपॉर्टेंट इज सेलिब्रेटेड, सो

focuses to promote the gender equality and highlights the important role that is played by the women in rural areas and it is the time to celebrate the important role that the rural women plays in the society because the rural women also plays an important role in the society so we have to give the importance of the work that is done by the rural women and we have to also discuss about the challenges that is faced by the rural women and how to deal with the, the challenges. So we have to highlight the challenges that is faced by the rural women and the theme for the International Day of Rural Women that is the rural women cultivating good food for all in spite of certain limitations the rural women has played an important role for the development of the society and the theme for 2022 international day of rural women is rural women cultivating

women's in the women's asia cup it was the 7th indian title in the 8th edition of women's asia cup next we will discuss about the some important current affairs question we have started this new section that is daily we are giving the set of 5 current affairs question and you have to give the answer in the comment section so first question is the which state topped the लॉजिस्टिक्स इंडेक्स इन लीड्स दट इज द लॉजिस्टिक्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट ऑप्शन ए तमिलनाडु ऑप्शन बी द आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी द महाराष्ट्र ऑप्शन डी द गुजरात सो विच स्टेट टॉप द लॉजिस्टिक इंडेक्स इन लीड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट ऑप्शन ए तमिलनाडु ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी महाराष्ट्र ऑप्शन डी गुजरात सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन विच से रिलीज द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022. ऑप्शन ए द वर्ल्ड वाइड फंड ऑप्शन बी द यूएनईपी ऑप्शन सी द यूनेस्को ऑप्शन डी द Which institutions release the Living Planet Report 2022? Option A, World Wide Fund. Option B, UNEP. Option C, UNESCO. Option D, FAO. So you have to give the correct option in the comment section. Next is the Pete Island where hundreds of pilot whales, bear stranded, dead, is located in which country? ऑप्शन ए यूएसए ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ऑप्शन सी जापान ऑप्शन डी इंडोनेशिया सो पीट आइलैंड बेयर द थाउज बेयर द हंड्रेड ऑफ पायलट वेल्स बेयर स्ट्रैंडेड डेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑप्शन ए यूएसए ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ऑप्शन सी जापान ऑप्शन डी इंडोनेशिया यू हैव टू गिव द करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन बिलो नेक्स्ट इज द इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेजर्ड सिलेंडर लोरिश सिलेंडर लोरिश इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु ऑप्शन सी गोवा ऑप्शन डी कर्नाटका सो इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर द इन डेंजर सिलेंडर लॉरिश इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन ए असम ऑप्शन बी तमिलनाडु ऑप्शन सी गोवा ऑप्शन डी Karnataka. So, you have to give the correct answer in the comment section. Next is the एज पर दी एस आई आर एंड नीति आयोग रिपोर्ट विच कंट्री बियर्स हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक वर्डन ड्यू टू लीड पॉइसनिंग ऑप्शन ए इज द अफगानिस्तान ऑप्शन बी नेपाल ऑप्शन सी इंडिया ऑप्शन डी श्रीलंका सो एज पर दी एस आई आर नीति आयोग रिपोर्ट विच कंट्री बियर्स हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक वर्डन ड्यू टू Lead poisoning. Option A, Afghanistan. Option B, Nepal. Option C, India. Option D, Sri Lanka. So, you have to give the correct option in the comment section. So, thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video. If you are new to this channel, so please subscribe this channel also.